शाहरुख खान की फिल्म जवान एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ रही है, पर क्या सात फेस वाली किंग खान की बैक टू बैक फुल एक्शन पैक मूवी दर्शकों को देखनी चाहिए? बॉलीवुड के किंग सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान इस समय सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी हर फिल्म रिलीज होने से पहले सुनामी जैसा बज क्रिएट कर देती है। 2-4 दिन पहले ये सुनामी दुबई में नजर आई थी, जब शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान का प्रमोशन करने दुबई गए हुए थे। बुर्ज खलीफा के आसपास जो सैलाब देखा गया वो किंग खान की लोकप्रियता की कहानी कहता है। फिल्म की टिकट खिड़की पर जबरदस्त एडवांस बुकिंग बताती है कि पहले दिन ही शाहरुख खान का खुद का बनाया गया रिकॉर्ड टूटने वाला है। हालांकि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में पठान को छोड़कर उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं, पर उन फिल्मों की कमाई भी खराब नहीं रही। दरअसल सुपरस्टार की फिल्में अगर सुपर डुपर हिट नहीं होती है तो उसे फ्लॉप ही समझा जाता है। पठान ने बहुत दिनों बाद उन्हें सफलता का स्वाद चखाया था। अब सवाल हो रहा है कि क्या पठान की तरह जवान भी हिट है? अब क्या जवान फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी? आइए हम आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन की महान, तीन चेहरे, संजीव कुमार की नया दिन नई रात, नौ चेहरे, दशावतार में कमल हसन के 10 चेहरे वाली फिल्मों में एक चीज कॉमन है, ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगी थी। महान भी ऐसे समय रिलीज हुई थी जब अमिताभ बच्चन अपने चरम पर थे, उनकी फ्लॉप फिल्में भी जुबली बनाती थी, पर महान सुपर फ्लॉप हुई थी। भारतीय फिल्मों के दर्शक चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, सीधी रो में चलने वाली फिल्म पसंद करता है। जवान मूवी के ट्रेलर में शाहरुख खान के 7 चेहरे दिख रहे हैं। कई बार ट्रेलर देखने पर यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्टर ने कौन सी खिचड़ी पकाई है, इतने इंग्रेडिएंट वाली खिचड़ी का स्वाद कैसा होगा। अक्सर किचन में जब ये सोचकर खिचड़ी पकाई जाती है कि वो तीखे खाने वाले, मीठे खाने वाले और सादा खाने वाले सबको पसंद आए, तो फिर उसका स्वाद भगवान भरोसे ही होता है। अब जवान के डायरेक्टर एटली ने कौन सी स्वाद वाली खिचड़ी पकाई है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। दर्शकों को सीधी लाइन में चलने वाली कहानियां पसंद आती है। दरअसल डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के लिए 2.5 घंटे में ढेर सारी चीजें दिखाना बहुत कठिन हो जाता है। कभी चरित्र के निर्माण का संकट खड़ा हो जाता है तो कभी उनको विस्तार नहीं मिल पाता। कोई भी सुपर डुपर हिट फिल्म में तभी होती है जब उनके चरित्र लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। मुगले आजम, मदर इंडिया या शोले इसलिए ऑल टाइम हिट फिल्में हैं जिनके कैरेक्टर आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं। हाल ही में हिट हुई पठान और गदर 2 के लोगों को फिल्म देखने के बाद याद आते हैं। जवान का ट्रेलर देखकर जो चीजें सामने आती है वो ये है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। नयनतारा की बात हो रही है कि दीपिका पादुकोण नजर आ जाती है, इसके अलावा एक गर्ल गैंग भी है। 7 तरह के शाहरुख खान तो नजर आ ही रहे हैं, विलन भी 2 तरह के नजर आते हैं। डायरेक्टर बेचारा कब चरित्र निर्माण करेगा, कब उसका विस्तार करेगा, कब स्टोरी को क्लाइमेक्स पर ले जाएगा और कब स्टोरी को समअप करेगा। शाहरुख खान की एक खूबी रही है, वो अपने पुराने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हैं। अमिताभ बच्चन अपने कॉम्पिटिटिव एक्टर्स के हिट डायरेक्टर्स को अपने कैप में शामिल कर लेते थे। राजेश खन्ना से लेकर नाना पाटेकर तक के डायरेक्टर्स को उन्होंने बुलाकर उनकी फिल्में की हैं ताकि हिट फिल्म देते रहे। पर शक्ति सामंत, मेहुल कुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, राज खोसला के साथ 1-2 फिल्मों को छोड़कर उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हुई है। शाहरुख भी अपने दौर के सभी डायरेक्टर्स को आजमा रहे हैं, कुछ तो फ्लॉप हो चुके हैं। अब एटली और राजकुमार ईरानी इन्हें सफलता दिला पाते हैं या नहीं ये देखना। एटली अच्छी फिल्में बनाते होंगे, पर साउथ के दर्शकों के लिए भी उन्होंने कोई ऐसी मास हिट फिल्म नहीं बनाई है जिसे उत्तर भारत का भी बच्चा बच्चा जान जाए। जिन लोगों ने इटली की फिल्म देखी होगी उन्हें पता है कि उनका कंटेंट प्योर साउथ वाला होता है। हालांकि पिछले 5 सालों का ट्रेंड ये है कि साउथ की मसाला फिल्में उत्तर भारत में भी पसंद की जा रही है, पर डायरेक्टर ने उत्तर और दक्षिण के नाम मिक्सचर ना बना दिया हो। दर्शक आजकल खाली शुद्ध चीजें देखना चाहता है, देखना है एटली ने क्या किया है। पठान की म्यूजिक रिलीज होने के पहले ही हिट हो चुकी थी। जिन लोगों ने फिल्म के रिलीज के पहले 3-4 हफ्ते में किसी मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देखी होगी उन्होंने फिल्म के अंत में झूमे जो पठान गाने पर झूमते दर्शक जरूर याद होंगे। दशकों बाद थिएटर में ये माहौल देखा गया था जब लोग पागलों की तरह सीट से उठकर सीटियां बजाते हुए डांस करते थे। दरअसल फिल्म के गाने हिट हो चुके थे। जवान का ट्रेलर देखकर नहीं लगता है कि इस फिल्म का कोई भी गाना हिट होने वाला है। दरअसल फिल्म को पैन इंडिया बनाने के चक्कर में गीतकार भी साउथ इंडियन ही रख लिया गया है। अनुवादित गीतों के बोल सुनने पर लगता है कि किसी साउथ की फिल्म के गीत बज रहे हैं। शाहरुख की फिल्मों के गाने गुलजार और जावेद अख्तर जैसे लोग लिखा करते थे, यही कारण रहा है कि उनकी फ्लॉप फिल्मों के गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाया करते थे, जो इस फिल्म में मिक्सिंग से दिख रहा है।